नमस्कार। जन सरोकार मंच के YouTube लाइव कार्यक्रम में आज हम गांधीनगर गुजरात की सुपरिचित कवित्री, कहानीकार और लेखिका मीरा रामनिवास जी का साक्षात्कार प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारे अनुरोध पर आज कार्यक्रम में वो उपस्थित हुई हैं। हम लोग इनका सादर अभिवादन करते हैं। और मीरा रामनिवास जी, जन सरोकार मंच परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। धन्यवाद राजीव जी। जी, आप मूलतः राजस्थान की रहने वाली हैं और भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी के रूप में आपने देश की सेवा की है। और आप सबसे पहले हम लोगों को और श्रोताओं को अपने राजस्थान के गांव, वहां के परिवेश और अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने शुरुआती जीवन के बारे में हमें बताएं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणाप्रद रहेगा, सबके लिए ये सब सारी बातें जो हैं वो श्रेयस्कर हैं। राजीव जी, मैं राजस्थान से हूँ, भरतपुर जिले की। मैं भरतपुर जिले में ही मेरा लालन पालन हुआ। छोटा सा गांव है मेरे पिताजी का और मैं किसान परिवार से हूँ। मेरी शिक्षा भरतपुर, अलवर और जयपुर में हुई और मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। और कभी फादर ने ऐसा माना नहीं लड़के लड़की का कोई भेद। उस जमाने में मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा। मैं सेकंड क्लास से ही हमेशा हॉस्टल में रहकर ही मैंने अपनी पढ़ाई की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं फिर जयपुर में मैंने एमए किया संस्कृत साहित्य में। और उसके बाद क्योंकि उस समय इस तरह का प्रावधान था कि 80% यदि बच्चे लाते हैं तो उनको लेक्चरशिप मिल जाती थी, तो मैं एमए के बाद मैं संस्कृत के बच्चों को मैंने एमए बीए को स्कूल और सॉरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। और उसके बाद मैंने ये सिविल सर्विसेज का यूपीएससी का एग्जाम दिया और मैं 85 में मैं आईपीएस ऑफिसर में मेरा चयन हो गया यूपीएससी से। और फिर मैंने अपना प्रशिक्षण पूरा किया 2 साल का और उसके बाद मैं गुजरात काडर मुझे मिला, तो 87 से मैं यहाँ सेवाएं दे रही हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि उस दौर में मेरा यहाँ तक पहुंचना बहुत ही मतलब ईश्वर की कृपा है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, उनका सपोर्ट है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझ पर भरोसा किया और मुझे प्रेरणा दी। मैं अपने गांव की, अपने समाज की पहली कहना चाहिए भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी ईश्वर की कृपा से बन सकी। जी हाँ, किरण बेदी को बताया जाता है कि वो पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं देश की। और फिर किरण जी के बाद मीरा जी, आप लोगों ने महिलाओं को इस सेवा में आने के लिए प्रेरणा दी और इस सेवा में आप आई और आपने सफलतापूर्वक एक पुलिस अधिकारी के रूप में समाज और देश की सेवा की है। इसके लिए सदैव हम लोग आपके लिए आपको आपसे प्रेरणा ग्रहण करते रहेंगे। शुरू से मीरा जी का प्रेम जो है वो साहित्य से रहा है। संस्कृत साहित्य की ये विदुषी रही हैं, इन्होंने कॉलेज में, विश्वविद्यालय में पढ़ाया है। और सबसे पहले हम संस्कृत साहित्य के बारे में ही जानना चाहेंगे कि संस्कृत भाषा जो है, जो हमारे देश की समस्त भाषाओं की जननी मानी जाती है, इस भाषा के महात्म्य के बारे में, भारतीय सभ्यता संस्कृति से इस भाषा के गहन रिश्तों के बारे में हमें ये बताएं। जैसा कि आपने खुद ने कहा कि संस्कृत जो है वो समस्त भाषाओं की जननी है। ये अपने जितने भी देखिए इसको देववाणी कहा गया है क्योंकि जो वेद हैं वो हमारे सर्वप्रथम हमारे पुरातन ग्रंथ हैं और उसके बाद जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए उपनिषद है, ब्राह्मण है या कहना चाहिए
अपने महाभारत आदि हैं, पुराण हैं, ये सब जो वेदांत जो हमारे ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं, ये सब संस्कृत में ही लिखे गए हैं। जी और हाँ। आप क्योंकि ये सारे जो ग्रंथ हैं इन्हीं में ही हमारा धर्म और दर्शन छुपा हुआ है। समस्त हमारे आप देखते हैं हमारे जो कहना चाहिए जो 16 संस्कार हैं, हमारा जो योग दर्शन है, हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, ठीक है ना, और यहाँ तक कि हमारी जो वास्तु विज्ञान है, हमारी जो खगोल विद्या है, आप जानते ही हैं कि 0 हमारे भारत ने दिया, और जी हमारे यहाँ जो अंक शास्त्र की जो विद्या थी, तो ये सब जो ज्ञान है वो हमारा वेदों में है, वो हमारे पुराणों में है, वो सब हमारे इन ऐतिहासिक ग्रंथों में जो कि संस्कृत में लिखे गए हैं। तो इसी से ही हमारी संस्कृत भाषा का महत्व आप समझ सकते हैं कि ये सभी भाषाओं को इसने जन्म दिया, और जो भी हमारा भारतीय दर्शन है, जो हमारी संस्कृति है, आप देख रहे हैं 16 संस्कार जन्म से लेके और जो मरण तक हमारे जो 16 संस्कार होते हैं उसका जो विधि विधान, और जो भी आप डेली आप पढ़ते हैं, अपना भविष्य पढ़ते हैं, और ये कहना चाहिए कि हमारे जो काल गणना है, जो ये सब हमारी ये इसी साहित्य से, इसी भाषा से, हमारे ऋषि मुनियों ने इसी भाषा में उसको संकलित किया, और कहना चाहिए कि जितनी भी बोध कथाएं हैं, ठीक है ना, बच्चों के लिए जितनी भी बोध कथाएं हैं, पंचतंत्र है, हितोपदेश है, हमारे लिए जो बोध कथाएं वो पुराणों में, महाभारत में, आख्यानों में जो लोक कथाएं हैं, वो सब हमारी इसी संस्कृत भाषा की देन है। और सबसे बड़ा जो ग्रंथ आप मान सकते हैं वो गीता है, जो कि सभी सभी शास्त्रों का वो सार है, और जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, आप उस परिस्थिति को इस गीता के हिसाब से, उस परिस्थिति से आप बाहर आ सकते हैं। जो भी श्री कृष्ण ने जो कहा वो अर्जुन को एक अपना शिष्य या मित्र बना के जो बात कही, वो आज हम सब के ऊपर लागू होती है, क्योंकि हम भी इस जन्म में हम भी अर्जुन की तरह ही किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कितनी ही बार, तो उस समय हमें गीता ही रास्ता दिखाती है। तो इस तरह से आप कहेंगे कि ये एक अमूल्य भाषा है, और इसका जो ज्ञान है वो बहुत ही व्यावहारिक है, और हमें जीने के लिए, हमारे आदर्श जीवन के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो संस्कार चाहिए, जो सदाचार चाहिए, वो सभी इस भाषा ने हमें दिया है, इस भाषा में लिखे ग्रंथों ने हमें दिया है। ना सिर्फ भारतीय संस्कृति और यहाँ के लोगों के जीवन चेतना को, वरन सारी दुनिया को, सारे संसार को संस्कृत भाषा ने अमूल्य ज्ञान प्रदान किया है, और ये दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। कहा जाता है कि ऋग्वेद जो है वो दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, और हमें मीरा रामनिवास जी ने इसके बारे में बताया है कि हमारी जो जीवन पद्धति है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारे समाज में जो प्रचलित जो मूल्य हैं, आदर्श हैं, ये सब संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ हैं उनमें इनका प्रतिपादन हुआ है, और विश्व मानवता, विश्व संस्कृति जो है वो संस्कृत भाषा की ऋणी है, क्योंकि भारत जो है वो विश्व गुरु है, और संस्कृत भाषा से ही ज्ञान का संदेश सारी दुनिया में प्रसारित हुआ। अभी इसके बारे में हमें मीरा रामनिवास जी ने बताया है, और मीरा रामनिवास जी से हम लोग आगे इनकी कुछ कविताएं सुनेंगे। ये बहुत ही संवेदनशील कवित्री हैं, कहानीकार के रूप में इनमें इनकी कहानियों में सामाजिक सजगता है, आज के समाज की विडंबनाओं को, विद्रूपताओं को, विसंगतियों को और मानव मूल्यों को इन्होंने अपनी अपने कथा साहित्य में चित्रित किया है, और हम लोग आज सबसे पहले इनकी कविताएं सुनेंगे। आपसे आग्रह है मीरा रामनिवास जी कि आप अपने कुछ सुंदर कविताएं सुनाए हमारे दर्शकों को। राजीव जी, मैं मतलब ज्यादातर जो मेरा रुझान है, जो मेरी रुचि है, जो मुझे अपील करता है लिखने के लिए, जो मुझे प्रेरित करता है, वो है प्रकृति है,
या फिर हमारे जीवन मूल्य हैं, या मेरा ग्रामीण परिवेश है, प्रकृति से संबंधित ही मैं अधिकतर लिखा करती हूँ। तो हाल ही मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई है, सूरज प्यासा लौट जाता है। तो जी उसकी जो तो मेरी प्रतिनिधि कविता है, सूरज प्यासा लौट जाता है, वो मैं आपको सुना रही हूँ। सूरज प्यासा लौट जाता है, पिलाया करती थी माँ जिस लोटे से पानी, पिलाया करती थी माँ जिस लोटे से पानी, उसे देख उदास हो जाता है, सूरज प्यासा लौट जाता है। दोपहरी घर आती है, आंगन में माँ को न पाती है, आंचल में माँ के न छुप पाती है, दोपहरी उदास हो जाती है। माँ आंगन में बैठ घर के काम काज किया करती, सूप से फटक कर अनाज साफ किया करती, मिट्टी के चूल्हे सिगड़ी की मरम्मत किया करती, आंगन को गोबर मिट्टी से लीपा पोता करती, पीने का पानी खत्म होने पर कड़कती दोपहरी में कुएं से पानी लाया करती, मटके का पानी ठंडा रखने बड़े जतन किया करती। माँ थी तो गर्मी की दोपहर आंगन में हलचल बनी रहती, नीम की छाव में पड़ोसिनों की सभा लगा करती, सिवैयां बनाई जाती, किस्से कहानियां सुनाई जाती। ये सब देखते सुनते दोपहरी कब सांझ में तब्दील हो जाती, ये सब देखते सुनते दोपहरी कब सांझ में तब्दील हो जाती, सांझ को आंगन बुहारते हुए माँ लोकगीत गुनगुनाती, आंगन में चुगती चिड़िया पंख हिलाती गुनगुनाती, माँ बिन गाय बहुत दिनों तक रंभाई, माँ बिन गाय बहुत दिनों तक रंभाई, उसे माँ के हाथ की रोटी याद आई, उसे माँ के हाथ की रोटी याद आई। माँ बिन चांद आंगन में ज्यादा ठहर नहीं पाता, माँ बिन चांद आंगन में ज्यादा ठहर नहीं पाता, माँ की ओढ़नी के शीशों में अपना चेहरा देख नहीं पाता। सुनो मीरा की माँ, पिताजी का ओजस्वी स्वर सुनाई नहीं देता, सुनो मीरा की माँ, पिताजी का ओजस्वी स्वर अब सुनाई नहीं देता, पिताजी के चेहरे पर पहले सा तेज अब दिखाई नहीं देता, पिताजी के चेहरे पर पहले सा तेज अब दिखाई नहीं देता। तो ये मैंने ग्रामीण परिवेश की और मेरी इस किताब की प्रतिनिधि कविता आपके सामने रखी है। बहुत ही सुंदर कविता मीरा जी ने हम लोगों को सुनाया है, सूरज प्यासा लौट जाता है। और इस कविता में इन्होंने लोक संस्कृति, लोक समाज से कविता के बिंबों को ग्रहण किया है और ये आज के समय की विडंबनाएं है और एक जीवन की जो हलचल हो सकती है, जो स्पंदन हो सकता है उसके साथ वर्तमान दौर का संतरास, ये सब इस कविता को विषय वस्तु की दृष्टि से बहुत ही विशिष्ट रूप प्रदान करता है, मुझे ऐसा लगता है इस कविता को सुनकर। और यही इनके काव्य लेखन की सबसे बड़ी विशेषता है, मीरा जी के काव्य में एक संवाद समय के साथ और समाज के साथ निरंतर चलता हुआ दिखाई देता है। और इस दृष्टि से इनकी कविताएं खास तौर पर हमारा ध्यान आकृष्ट करती हैं और हमारे जीवन चेतना को ऊर्जस्वित भी करती हैं। और मीरा जी, आपके इस काव्य संग्रह को हम लोग देखना भी चाहेंगे, इसे दिखाइए, इसका कवर पेज जो है। मैं ये बहुत सुंदर, किताब आपको राजीव जी भेज दूंगी अवश्य ही, बिल्कुल और इसी में ही एक और प्रकृति में किस तरह से जीवन दर्शन छुपा हुआ है वो एक कविता है मेरी, वो भी मुझे बहुत प्रिय है, झरते पत्तों की वेदना। बिल्कुल, आप सुनाएं तो इस कविता को भी। मैं, हाँ, ये झरते पत्तों की वेदना इसी में से आपको सुना देती हूँ। झरते
झड़ते पत्तों की वेदना। जी, डाल से बिछुड़ कर पत्ता बहुत रोया था, उसने अपना घर और ठिकाना खोया था। डाल से बिछुड़ कर पत्ता बहुत रोया था, उसने अपना घर और ठिकाना खोया था। शाख पर लगे पत्ते उसके अपने ही थे, शाख पर बैठे पंछी उसके साथी ही थे। घर से दूर होकर भला कौन दुखी न होगा, अपनों से बिछुड़ कर भला कौन सुखी होगा। शाख से जैसे ही घर से दूर होकर भला कौन दुखी न, शाख से जैसे ही कोई पत्ता गिरता है, पास वाला पत्ता भय से कांप उठता है। शाख से जैसे ही कोई पत्ता गिरता है, पास वाला पत्ता भय से कांप उठता है। न जाने अब किसकी बारी है, डाल से बिछुड़ने की तैयारी है। शाख से गिरकर पत्ते दुखी हो जाते हैं, शाख पर बिताए अच्छे दिन याद आते हैं। शाख पर हवा संग सरसराते थे, एक दूजे को खूब धकियाते थे। शाख पर पत्तों संग हवा संग सरसराते थे, एक दूजे को खूब धकियाते थे। खूब हंसते थे, खिलखिलाते थे, गिलहरी की लुका छुपी देखते थे। सुबह का इंतजार करते थे, चिड़िया की चहक सुनते थे। गिरते ही जीवन रुक गया, गिरते ही जीवन रुक गया, जीवन से बसंत चुक गया, जीवन से बसंत चुक गया। गुमसुम पड़े पत्तों की वेदना कोई न जान पाता है, गुमसुम पड़े पत्तों की वेदना कोई न जान पाता है। हर व्यक्ति आते जाते रौंद कर चला जाता है। धरा पर बिखरे पत्ते हवा संग यहाँ वहां उड़ जाते हैं, धरा पर बिखरे पत्ते हवा संग यहाँ वहां उड़ जाते हैं। अपना दर्द दिल में लिए मिट्टी में दफन हो जाते हैं। पेड़ पर नई कोंपलों के साथ नव जीवन शुरू हो जाता है, पेड़ पर नई कोंपलों के साथ नव जीवन शुरू हो जाता है। सृष्टि का क्रम साल दर साल निरंतर यूं ही चलता रहता है, सृष्टि का क्रम साल दर साल निरंतर यूं ही चलता रहता है, यूं ही चलता रहता है। प्रकृति और ऋतु चक्र, इसे जीवन का सबसे स्पंदन कहा गया है। और मीरा जी की कविताओं में प्रकृति के विविध रूप जो हैं, उनके माध्यम से इन्होंने जीवन की का जो दर्शन है उसका प्रतिपादन अपनी कविताओं में किया है। और जीवन निरंतर चलता रहता है, और पतझड़ और वसंत और बारिश की बूंदें और धरती के का जो स्पंदन है, जो स्फुरन है मिट्टी का, इसके साथ मनुष्य के जीवन संघर्ष, उसकी आशाएं और उसके उमंग, ये समस्त प्रसंग जो हैं मीरा जी की कविताओं में अक्सर दस्तक देते हैं। और इस दृष्टि से इनकी कविताएं जो हैं वो जीवन धर्मी, जीवन चेतना की कविताएं हैं। और इन कविताओं पर बहुत गहरा प्रभाव जो है वो लोक जनजीवन का है, समाज का है। और प्रगतिशील जीवन चेतना की कवित्री ये हैं, और इनकी इस कविता से हम लोग बहुत प्रभावित हैं। बहुत ही अच्छा पाठ आपने किया है। और आधुनिक जीवन संस्कृति से जुड़ी कुछ जो कविताएं हैं, इनकी जो विडंबनाएं हैं, उनको लेकर के भी आपने कुछ लिखा होगा इस संग्रह की किसी कविता में, तो उसे हम लोग सुनना चाहेंगे। जी आज के दौर समाज में हम लोगों के जीवन की जो व्यथा है, जो विडंबना है, अपनी संवेदनाओं में आपने इन सब प्रसंगों को भी समेटा है। हाँ, आज के जीवन की मैं आपको सुना देती हूँ। कहाँ गए वो वासंतिक मन, आज कितना हम बदल गए हैं इंसान, और समय के साथ साथ कितना परिवर्तन हमारे समाज में आ गया है, उसी को लेकर ये कविता मैंने लिखी है, दो तीन। तो पहली कविता मैं सुना रही हूँ। कहाँ गए वो वासंतिक मन,
कहाँ है वो वासंतिक मन, कहाँ है वो पुराने दिन, जब सुबह झगड़ा शाम को सुलह हो जाती, अब दम भी हो गए मन सालों सुलह ना हो पाती। सुबह झगड़ा शाम को सुलह हो जाती, अब दम भी हो गए मन सालों सुलह ना हो पाती। तब युद्ध भी होता था पर नियम से होता था, तब युद्ध भी होता था पर नियम से होता था। सूरज ढलने पर सब अपने खेमे में लौट जाते, युद्ध शुरू और बंद होने पर शंख बजाए जाते। आज जी। हर घर एक महाभारत है, आज हर घर एक महाभारत है। आपसी तनाव है, आपसी तनाव है, शिकायत है। अब ईर्ष्या द्वेष जैसे शस्त्र से घर बाहर युद्ध लड़े जाते हैं, अब ईर्ष्या द्वेष जैसे शस्त्र से घर बाहर युद्ध लड़े जाते हैं। भावनाओं पर चुपके चुपके वार किए जाते हैं, भावनाओं पर चुपके चुपके वार किए जाते हैं। तब माता पिता की आज्ञा मानी, तब माता पिता की आज्ञा मानी जाती थी, बुजुर्ग माता पिता की सेवा की जाती थी। अब माता पिता को भार समझा जाता है, वृद्धाश्रमों में पाल पोस कर फर्ज अदा किया जाता है। अब माता पिता को भार समझा जाता है, वृद्धाश्रमों में पाल पोस कर फर्ज अदा किया जाता है। कहाँ है वे वसंत के दिन, कहाँ है वो वसंती मन, जब कंचन भी पड़ा रहे कोई नहीं उठाता था, जब कंचन भी पड़ा रहे कोई ना उठाता था। पराए माल को हराम समझा जाता था, जी। पराए माल को हराम समझा जाता था। अब हाथ से छीन कर भाग जाते हैं, अब हाथ से छीन कर भाग जाते हैं, पराया माल हड़प कर मौज उड़ाते हैं। कहाँ है वो दिन, कहाँ है वो मन, जब अतिथि सत्कार होता था, जब अतिथि सत्कार होता था, अतिथि के आने पर परिवार खुश होता था। आज कोई घर आए तो भार लगता है, अब पराया छोड़ो अपना भी खार लगता है, अब पराया छोड़ो अपना भी खार लगता है। कहाँ है वो जन, कहाँ है वो मन, जब मोहल्ले भर से रिश्ता निभाते थे, वार त्योहार संग संग मनाते थे। अब पड़ोसी से पड़ोसी का कोई सरोकार नहीं है, अब पड़ोसी पड़ोसी से कोई सरोकार नहीं रखता, एक दूजे के सुख दुख से मतलब नहीं रखता। बच्चे बेझिझक एक दूजे के घर आते जाते थे, तब बच्चे एक दूजे के घर बेझिझक आते जाते थे, सबसे अपनों सा प्यार दुलार पाते थे। अब घर गली मोहल्ले में असुरक्षा का अंदेशा रहता है, अब गली मोहल्ले में भी सुरक्षा का अंदेशा रहता है, नर भेड़ियों का हर जगह भय बना रहता है। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर। नर भेड़ियों का हर जगह भय बना रहता है। पहले पढ़ते नहीं गुनते थे, पहले पढ़ते नहीं गुनते थे, रामायण को अपने जीवन में, रामायण को अपने जीवन में जीते थे। अब उच्च शिक्षा पढ़ रहे हैं, संस्कार घट रहे हैं, अब उच्च शिक्षा पढ़ रहे हैं, संस्कार घट रहे हैं। तब तुलसी पूजनीय थी, अब सिर्फ औषधीय है, तब गाय आदरणीय थी, अब सिर्फ दूध की मशीन है। क्या फिर मनुष्य वही वासंतिक दिन पाएंगे, क्या पुराने दिन फिर लौट कर आएंगे, क्या पुराने दिन फिर लौट कर आएंगे। बेहद सुंदर। मीरा रामनिवास जी की कविताओं में जो हमारा वर्तमान जीवन है, इस जीवन में जो खौफ, जो अकेलापन, जो संतरास, जो असुरक्षा, जो अनीति और जो पुरानी सब जो बातें हैं समाज की, जिनसे हम लोग एक तरह से लड़ाई लड़ रहे थे, आज फिर उनकी पुनरावृत्ति हो रही है।
और एक ऐसे ही समय में अपनी कविताओं में रामायण को याद करती हैं और तमाम तरह की जो हमारे समाज की जो अच्छाइयां थीं उनके बारे में ये सोचती हुई चिंतन करती हुई अपनी कविताओं में दिखाई देती हैं। और ये मीरा राम निवास जी की एक सबसे बड़ी पीड़ा है, व्यथा है, व्यथा का भाव समाज को लेकर जब कोई रचनाकार अपनी कविताओं में प्रकट करता है तो फिर वहां पर वो एक चिंतन को भी वो शुरू करता है और इस चिंतन में समाज को दिशा निर्देशित करने की भावना जो है वो प्रमुख बन जाती है और हम लोग इसके सूत्रधार बने, समाज को लेकर चिंतन करें। भारत की संस्कृति जो है दुनिया में भारत को पहचान देती रही है हजारों सालों से और हमारी ये जो अस्मिता है, हमारी जो ये पहचान है वो खतरे में है क्योंकि भारत बहुत सारी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विडंबनाओं से एक घिरा हुआ देश है वर्तमान समय में। और भारत के बारे में हमें, अपनी संस्कृति के बारे में इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। मीरा जी, इस कविता के लिए बहुत आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छी कविता लिखी है। तमाम कविताएं आपकी जो हैं वो सब सुनने की इच्छा हो रही है और हम लोग पढ़ेंगे आपकी कविताओं को, आपकी पुस्तक को सरोकार मंच के पटल पर। धन्यवाद। आज इस संग्रह से जो कविताएं सुनने को मिल रही हैं हम सब लोगों को, इसके लिए हम लोग आभारी हैं, कृतज्ञ हैं कि आपने अपने अमूल्य समय के बीच में कुछ समय निकालकर काव्य पाठ किया है और कविताएं सुनाई हैं, अपने विचारों को रखा है। और हम लोग बीच में चाहते हैं कि आप थोड़ा गुजरात के बारे में बताएं कि गुजरात में आप बहुत समय से रह रही हैं तो यहाँ जी के हाँ, इस प्रांत के बारे में, महात्मा गांधी भी इसी प्रांत के जी हाँ, जी हाँ, महापुरुष जी हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं वो, तो गुजरात की धरती ने जो संदेश दिया, ये नरसिंह मेहता की धरती है, वैष्णव जन तो तेने बिल्कुल कहिए। बिल्कुल जी हाँ, तो गुजरात के बारे हाँ, में बताएं कि आप राजस्थान से जब गुजरात आई तो आपको यहाँ कैसा लगा, यहाँ की संस्कृति की क्या कौन कौन सी बातें आपको पसंद आती रही हैं। बहुत अच्छा आपने मुझसे सवाल किया है। देखिए, जन्मभूमि मेरी भले राजस्थान है, लेकिन कर्म भूमि मेरी ये रही गुजरात। और 87 से मैं यहाँ सेवाएं दे रही हूँ। उस समय बहुत कम महिलाएं थीं, मैं दूसरी थी यहाँ गुजरात में जो आईपीएस बनकर आई थी, मेरी एक सीनियर थी। तो यहाँ जो गुजरात है, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही कहना चाहिए सौहार्दपूर्ण वातावरण है यहाँ पर। लोगों में मतलब प्रेम है और महिलाओं के प्रति आदर है। महिलाओं का आपने देखा होगा कि हमेशा आगे रही हैं। जब गांधी जी ने आंदोलन भी किया आजादी का, तभी भी महिलाएं उनके साथ थीं यहाँ की। तो और यहाँ का जो आप देखते हैं गुजरात में जो सहकारी मंडली, यहाँ जो सहकारिता विभाग, जो सहकारिता की जो कहना चाहिए पूरे भारत में जो सहकारिता का जो कहना चाहिए रुझान जो मिला है वो इस गुजरात से ही मिला है। और वो अच्छा, सहकारिता मंडलियां की देन ये हमारी बहनें हैं। यहाँ की बहनों ने बढ़ चढ़ के अभी हाल ही में एक किला देन का जो जो सेवा जो चलाती थी, सेवा नाम से जो संस्था चलाती थी सहकारी, उनका अभी अभी देहावसान हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ जो है, यहाँ का खान पान, यहाँ की आबोहवा और यहाँ के जो लोग हैं अपने मतलब अपने व्यवसाय में वो व्यवसाय करते हैं और फिर खूब आनंद करते हैं। यहाँ के जो भी त्योहार है उसमें खास तौर से यहाँ की जो नवरात्रि है वो देखने लायक होती है। वो 9 दिन हाँ दिन पता नहीं चलता है, इतना भावमय वातावरण हो जाता है कि दिन और रात का कुछ पता नहीं चलता। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए, मैं तो हर बार एक ही उदाहरण देती हूँ सबको गुजरात की, जब मुझे कुछ प्रशंसा करनी होती है कि देखिए कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश जो कि मथुरा छोड़कर और हमारे यहाँ गुजरात में आ गए और द्वारिका में आके उन्होंने अपना कहना चाहिए निवास स्थान बनाया। तो
आप सोचिए कि कितनी इसकी महिमा बढ़ गई गुजरात की। फिर दूसरी बिल्कुल यहाँ पर द्वारिका जो है वो देखिए, पुरी भी है और ये भी है, एक हमारा जो चार हमारे धाम है एक धाम भी है। फिर दूसरी ओर सोमनाथ, पहला जो कहना चाहिए सौराष्ट्रीय सोमनाथन से पहली जो ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ सोमनाथ में गुजरात में है, और नागेश्वर यहाँ पर है। फिर जो अपनी शक्ति पीठ जो मानी गई है उसमें देखिए अंबाजी हमारे यहाँ है। और तो उस तरह से यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही धार्मिक परिवेश है, लोग धार्मिक परिवेश के हैं और ज्यादातर यहाँ पर वैष्णव हैं, क्योंकि नरसिंह मेहता अच्छा जी का आपने सुना होगा, वैष्णव जी जन जी तो तेने कहिए जे पीर पर आई जाने रे। यहाँ का जो साहित्य जी भी है उसमें भी प्रेम और सौहार्द की भावना है। आप इसका प्राचीन से लेके आज तक का भी आप उठा के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पहला यहाँ नरसिंह जी को माना जाता है क्योंकि वो जी तो भक्तिकालीन कवि हैं। तो यहाँ पर फिर मीरा यहाँ आई नरसिंह जी से मिलने के लिए, और इन दोनों का आपस में चर्चा हुई, मिलन हुआ, क्योंकि दोनों ही कृष्ण के भक्त थे, जी भक्तिकालीन ये कवि रहे हैं दोनों, तो दोनों का विचारों का आदान प्रदान हुआ। और फिर मीरा जी ने भी यहाँ पर गुजराती में भी कई रचनाएं लिखी और नरसिंह जी भी हिंदी में लिखते थे। तो उस तरह से जो यहाँ का साहित्य की जो शुरुआत है उस पर कहना चाहिए कि भक्ति का बहुत ही प्रभाव रहा, और आगे जी आने वाले समय में भी वही सौहार्द प्रेम और सद्भाव साहित्य में हमारा जो भी हम पढ़ें, बड़े बड़े हमारे जो मेघान झवेर जी मेघाणी जी हैं, पन्ना लाल जी पटेल हैं, और बहुत सारे जो कवि हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं अभी, उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर इतिहास लिखा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और यहाँ का खान पान, यहाँ के रीति रिवाज, हर तरह से गुजरात एक बहुत ही मतलब सुंदर और बहुत ही कहना चाहिए एक अपना बहुत ही सांस्कृतिक एक महत्व को लिए हुए बहुत ही भारत में एक बहुत ही अच्छी जगह अपनी इस मामले में रखता है। तो बहुत ही बिल्कुल मतलब आनंद यहाँ हमने कहना चाहिए फर्ज के साथ साथ बहुत ही मतलब अच्छा हमें यहाँ पर सबका प्रेम भाव मिला। और मैं राजकोट, वडोदरा, सूरत सभी जगह, करीब करीब अहमदाबाद, गांधीनगर, सभी जगह मैंने सेवाएं दी और सभी जगह लोगों ने हमारे काम को सराहा, और हमें महिला अधिकारी होने के नाते उन्होंने हमें बहुत आदर दिया, सम्मान दिया, और हमारी जो सेवाएं हैं उनको उन्होंने बढ़ चढ़ के स्वीकारा। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने गुजरात के बारे में हम लोगों को बताई हैं कि गुजरात जो है एक ऐसे प्रांत के रूप में आपको दिखाई देता है जहाँ के लोग मेहनती हैं, ईमानदार हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, और यह राज्य भारत की आध्यात्मिक धार्मिक जो परंपरा है उसके उसकी विरासत को ये प्रांत अपने अपने जीवन में समेटे हुए है। समुद्र के किनारे स्थित गुजरात भारत का गौरव है। ये प्रांत इस प्रांत में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। महात्मा गांधी ने इसी हाँ, प्रांत मैं के आपको एक बात कहना भूल गई कि पोरबंदर में मैं एसपी रही जहाँ की गांधी जी का जन्म हुआ था, वहाँ मुझे एसपी रहने का मौका मिला, और मतलब वो एक अद्भुत मेरी मतलब जीवन यात्रा थी। अच्छा, पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। उनकी आत्मकथा में पोरबंदर की बहुत सारी स्मृतियां जो हैं वो सब बहुत सारी उन्होंने लिखी स्मृतियाँ हैं। जी, स्कूल के बारे में कैसे वो पोरबंदर में पिता जब जी जब बीमार हो गए थे तो उस वक्त सेवा करना चाहते थे अपने पिता की, लेकिन स्कूल में जो अध्यापक गण थे उन्होंने उस वक्त खेल का वो समय तय कर दिया था और उन्हें विवश होकर अनिच्छा पूर्वक कहते हैं, उन्होंने लिखते हैं कि पिता की सेवा मतलब मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे स्कूल के अनुशासन में भी
बनना था छात्र के रूप में, और अनुशासन के प्रति भी मेरे मन में उतनी ही आस्था थी। पिता की सेवा छोड़कर मैं, शुश्रूषा छोड़कर मैं वहां पहुंचा, और एक दिन लेट हो गया, विलंब हो गया वहां पहुंचने में। घड़ी नहीं थी उस वक्त, और आसमान में बादल जो थे वो धोखा दे गए, और शिक्षक ने देर आने का कारण जब पूछा तो मैंने जो सच सच बातें बताई बादल के बारे में, शाम हो जाने के अंदेशे के बारे में, तो शिक्षक ने वो बात नहीं मानी थी और मुझे दंड दिया था। और आज भी मेरे मन में ये पीड़ा का भाव रह रहकर जाग उठता है कि सही होने के बावजूद शिक्षक ने मुझे, सत्य का आचरण करने के बावजूद शिक्षक ने मुझे दंड क्यों दिया था। बहुत सारे सत्य के प्रयोग पुस्तक जो है उसमें गुजरात के प्रसंग सब है, और एक गुजराती की ही बात कथा है। गांधी जी ये गुजराती ही थे। गुजरात की जितनी सारी अच्छाइयों का आपने वर्णन किया है वो सब उसकी वो साकार प्रतिमूर्ति थे। और गुजरात का हर व्यक्ति जो है, हाँ, वो अपने जीवन में वो सत्य और अहिंसा की भूमि है। साबरमती यहीं पर स्थित है, साबरमती के संत तो ने कर दिया कमाल, और हम लोगों को ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि आप साबर पोरबंदर में SP आरक्षी अधीक्षक के पद पर तैनात रही, और वहां पर आपको लोगों से बहुत स्नेह प्राप्त हुआ, सम्मान प्राप्त हुआ। मुझे, हम लोगों को ये जानकर बहुत खुशी हुई। और मीरा राम निवास जी, आप कथाकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, आपको हिंदी में किन किन लेखकों की कहानियां पसंद आती रही हैं, और अपनी कहानियों में विशेष तौर पर आपने जिन जीवन अनुभवों को प्रकट किया है उसमें एक पुलिस अधिकारी के रूप में आम लोगों की जो कठिनाइयां हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे जिस तरह से आपने उनको गुजरते हुए देखा, बहुत सारे प्रसंग सब आपकी कहानियों में, बहुत मार्मिक प्रसंग सब, स्त्री जीवन की जो पीड़ाएं हैं और महिलाओं का जो समाज में जो संघर्ष है, तो इन सब सारे प्रसंगों को आप अपनी अपनी कथा कहानियों में विषय वस्तु के रूप में समेटती हैं। अपने कथा लेखन के बारे में बताएं। दरअसल बस वही मेरी जो जीवन यात्रा में जो मेरा जो सफर रहा ये पुलिस ऑफिसर का, तो चूंकि समाज में तो विसंगतियां हैं और धीरे धीरे और भी बढ़ती जा रही हैं, तो उस समय भी ये काफी हद तक पक्षपात, बच्चियों के साथ भेदभाव था, या कहना चाहिए कि महिलाओं के प्रति दूसरे दर्जे का देखिए प्रतिभाव हमेशा रहा, और ये मजनू टाइप के जो लड़के थे उस समय भी थे, तो ये सब देखा, और बहनों की समस्याएं मतलब ये थी कि मतलब बहुत ही ये लगता था कि किस तरह से अपनी बच्चियों को और बहनों को हम कैसे इनको प्रोटेक्शन दें, इनको मनोबल हम कैसे बढ़ा सकते हैं, सरकार के कौन से कायदे हैं जिनमें इनको हम ये दे सकते हैं, इनको सुरक्षा मिल जाए, तो वही हमें बस मंथन हम लोग करते रहते थे। तो फिर जब परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो फिर हम लोगों ने महिला हेल्पलाइन खोली उस समय जी। तो मैंने फिर महिला हेल्पलाइन की शुरुआत करी थी, मुझे याद है, क्योंकि देखिए उस समय कैसा था कानून, अब तो सरकार ने बहुत अच्छे कानून बना दिए, पहले कैसा कानून था कि आप पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर पहुंच गई तो समझो कि आप हमारे घर से कोई आपका रिश्ता नहीं है, बस ये घर मेरा है, निकल जाओ। पुरुष को ऐसा उस समय उसका बिहेवियर था, और उसका कहना चाहिए कि ये था एक उसको ये महिला को उस ये अधिकार नहीं था, वो कई बार घर में घुस ही नहीं पाती थी, वो घुसने ही नहीं देते थे कि बस अभी हमारा तुम्हारा कोई वो नहीं है। तो फिर बाद में देखिए सरकार ने को कायदा लाना पड़ा कि भाई आपको जो भी है झगड़ा है फसाद है, जब तक वो सब जुडिशियल मामला और का भी घर है वो घर में रहेगी, ठीक है ना, और उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, आज वो घर में रह सकती है। लेकिन उस समय ये सब नहीं था, तो इसलिए हम लोगों को हेल्पलाइन ही खोलनी पड़ी कि उसमें हम अर्जी की फॉर्म में FIR नहीं लेते थे, अर्जी फॉर्म में उसकी शिकायत को दर्ज करते थे, और फिर दोनों पक्षों को हम लोग बुलाया करते थे और उसमें समझ बूझ हम लोग दिया करते थे। और जहां तक ये छेड़छाड़ के मामले थे, मुझे याद है अहमदाबाद में मैं आई थी, क्योंकि वो रिपोर्ट ही नहीं करना चाहते थे, डरते थे बहुत कि कैसे जाएं क्या कहेंगे,
और फिर हमारी बच्ची का नाम उजागर हो जाएगा, हमारी बदनामी हो जाएगी। लेकिन जब हम महिला अधिकारी आए तो समाज को थोड़ी हिम्मत मिली कि अभी हम जा सकते हैं, तो फिर बच्चियां हमारे पास आने लगी, बताने लगी। तो चूंकि बच्चों का देखिए बहुत महत्वपूर्ण जीवन होता है, उसको बिगाड़ना, उसको जेल में डालना या पुलिस स्टेशन में, तो उसके प्रति हम लोगों को ये था। तो वो भी हम मतलब जहां तक है एक दो मौके हम समझा कर ही दिया करते थे। और उस समय की प्रजा ऐसी थी कि मानती थी, मानती भी थी, वो समझती थी। उसके पेरेंट्स को बुलाओ, बच्चे को बुलाओ, भाई आपका बेटा देखो इस तरह से, तो वो फर्क पड़ जाता था और व्यवहार में बदल लेता था अपने आप को। लेकिन आज समय बदल गया है, ढिटाई हो गई है। अभी बदलने में मतलब बहुत मुश्किल है। अब मैं कल ही एक पिक्चर देख रही थी, साउथ इंडिया की डबिंग, उसमें वो बच्ची को लिटरली उसको छेड़ते हैं बेचारी को, वो पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन में बच्चों को बुलाया जाता, समझाया जाता, पुलिस के सामने भी वो लोग डिटाई कर रहे हैं और छूटने के बाद भी उन्होंने डिटाई नहीं छोड़ी, बच्ची को कंटिन्यू वो लोग फॉलो कर रहे थे, तंग कर रहे थे। तो पहले समझ जाती थी प्रजा समझाने से, और पुलिस का मतलब ये था, उनको इज्जत थी, डर था। लेकिन आज मतलब मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो है ना समझते नहीं है और अपने मतलब छोड़ते नहीं है अपने वो संस्कारों को लोग, तो इसी कारण से इस तरह से देखिए हरकतें हो रही हैं। इतना कायदा बनने के बाद भी आप देख रहे हैं, डेली मैं तो पेपर पढ़ती हूँ तो मेरा मन एकदम विचलित हो जाता है कि आज बस इसने इसको मार दिया, इसने इसको काट के फेंक दिया, डेली इस तरह की वारदातें हो रही हैं। तो इससे लगता है कि हमारे जो जीवन मूल्य हैं, हमारी जो मानवता है, हमारी संवेदनाएं हैं, वो दिन पर दिन बिल्कुल हमारे से लुप्त होती जा रही हैं, दूर होती जा रही हैं। तो ऐसे ही कुछ पात्रों को लेकर ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। ऐसा कोई ऐसी अच्छी कोई कहानीकार मैं अपने आप को नहीं कहती हूँ, लेकिन बस कहानी के रूप में उनको मैं कागज पे उतार लेती हूँ। हाँ, नहीं, कहानी कहानियां आपने जो लिखी हैं उनमें आज के परिवेश और आज के समाज और उससे मतलब गुजरते हुए जो लोग हैं, मैंने ये देखा था कि विशेष तौर पर आपने उनको कवर किया है अपनी कहानियों में, और ये हाँ, बात मुझे बहुत अच्छी मैंने महिलाओं लगी। महिलाओं को खासतौर से बुजुर्गों की समस्याओं को मैंने महसूस किया है और उन पर काफी कहानियां मैंने लिखी हैं। आपको मैंने किताब भेजी थी, यस, उसके बाद हाँ, मैंने एक उसकी समीक्षा भी लिखी साल थी। भर में मैंने फिर छोटी छोटी लघु कथाएं आजकल में बुजुर्गों, महिलाओं पर, बच्चों पर, ऐसे कुछ मुझे महसूस होता है जीवन मूल्यों का कुछ, तो ऐसे लघु कथाएं लिखती हूँ मैं। हीरा जी रामनिवास जी ने हमें बताया है कि महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति से थानों में, पुलिस थानों में और थाने के बाहर जो और दफ्तर हैं, उच्च अधिकारियों के दफ्तर, उनमें महिला पुलिस कर्मियों के आने से महिलाओं को अब पुलिस थाने में जाने में कोई कठिनाई नहीं रह गई है। देश में महिला पुलिस थानों की स्थापना हुई है। मीरा जी ने हमें यह भी बताया कि कैसे पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में इन लोगों ने देश की पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए और गतिशील करने के लिए, प्रभावी करने के लिए बहुत सारे नए कार्यों को शुरू किया, जिसमें महिला पुलिस लाइन को शुरू करना शामिल रहा है। मीरा जी की सामाजिक प्रतिबद्धता को देखते महिला हुए हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन, हाँ महिला महिला हेल्पलाइन, हेल्पलाइन, हाँ, महिला हेल्पलाइन की शुरुआत गुजरात में इन्होंने करवाई। गुजरात में ये बहुत ही बड़े पद पर नियुक्त रही, एडीजी के पद पर नियुक्त रही। इसके साथ ही हमने कम्युनिटी पुलिसिंग में सीनियर सिटीजन सेवा हमने शुरू करी, जिसमें हमने बुजुर्गों को प्रोटेक्शन दिया, क्योंकि बुजुर्ग बहुत वल्नरेबल हैं समाज के लिए, जो खासतौर से अकेले रहते हैं। हमारे गुजरात में क्या है कि फॉरेन में बहुत रहते हैं लोग और बाहर भी बहुत रहते हैं, तो बुजुर्ग काफी अकेले रहते हैं। तो उस समय मैं वडोदरा में थी डीसीपी, तो
तो मेरे एरिया में जी। अलकापुरी में एक सीनियर सिटीजन की हत्या हो गई थी। वो अकेली अच्छा अच्छा रहती थी, तो उस समय ही फिर मुझे विचार आया, दूसरे राज्यों में भी चलती होगी, लेकिन गुजरात में मैंने फिर सीनियर सिटीजन सेवा शुरू करी। सीनियर सिटीजन्स को हमने एनरोल किया और उनको वॉलेंटियर हमने प्रजा से लिया, आप जैसे लोग, और हम भी थे पुलिसकर्मी भी, और हर पुलिसकर्मी ने, हर व्यक्ति वॉलेंटियर ने पांच पांच परिवारों की जिम्मेदारी ली, और हर 15 दिन में, महीने में उनके घर विजिट लेते थे, उनकी पूछताछ रखते थे, कौन उनके घर आ रहा है जा रहा है, दूध कौन दे रहा है, पेपर कौन देता है, वो ठीक है, हमने कोई समस्या तो नहीं है, उस तरह से एक फाइल हम रखते थे, और वंस इन ए मंथ हम मीटिंग भी रखते थे। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम उस समय, मतलब मैं कहती हूँ कि ईश्वर ने मुझे मेरे हाथों से ये काम यहाँ पर करवाया, और आज ये सीनियर सिटीजन सेवा हमारे गुजरात में आज भी ये लागू है, सरकार ने इसको फिर ऑफिशियल किया और आज हमारे यहाँ ये है, हमारी पुलिस इसको आज तक इसको ले लिया है, हमने ऑफिशियली हमने कर दिया है। तो सीनियर सिटीजन हमारा जी देश एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र में समाज के सभी वर्ग के लोगों को अधिकार जो दिए गए हैं संविधान में, तो इन अधिकारों की संरक्षा हो और गरीब लोग जो हैं और महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग लोग, सभी लोग जो हैं अपने अधिकारों को पाने के अधिकारों के साथ विकास के पथ पर अग्रसर हों। और मीरा जी की जो सेवाएं रही एक पुलिस अधिकारी के रूप में, वो इतनी सराहनीय रही कि गुजरात सरकार ने इनको गुजरात मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त किया। और इस दौरान इन्होंने गुजरात में बहुत सारे नए कार्यों को शुरू किया, वहां के प्रशासनिक व्यवस्था को, समाज को और प्रशासन को, सबको उन्होंने निर्देश दिए। और मानव अधिकार के क्षेत्र में मीरा जी, आपने आप किस तरह की स्थितियों को देश में देख रही हैं? देश के लोग उसको लेकर कितने सजग हैं? सरकार उसके लिए क्या कार्य कर रही है, इसके बारे में बताएं। हाँ, देखिए मानव अधिकार का जो विषय है वो तो बहुत ही, अपनी जो आपने देखा होगा हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें तो मानवता के अलावा और कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। जी वहां पर देखिए कहा गया है, संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम, कि हम सब साथ चलें और हमारे विचार एक दूसरे के साथ मिलें, हम एक दूसरे से वार्ता करें, एक दूसरे के मन हम एक दूसरे से मिलें, तो इस तरह की बातें, देखिए मानवता भरी बातें हमेशा की हैं। देखिए सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, ये सब क्या है, बिल्कुल तो ये इतनी इतनी, मतलब कहना चाहिए कि ये है हमारी संस्कृति इतनी महान है कि संवेदना और मानवता से ही भरी हुई है। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी रापा, हम तो मतलब प्राणी मात्र के, हम प्रकृति के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि ये प्रकृति, ये वायु, ये पृथ्वी, ये जल, ये हमारे लिए शांतिपूर्ण रहे। तो कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई, वेदों से लेके आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं इस तरह का कहीं भी नहीं लिखा है। सदाचार की हमेशा बातें करी है, हमेशा ये कहा गया है कि आप दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा आप अपने लिए चाहते हो, इस तरह की बातें उसमें कही गई हैं, सत्य अहिंसा की बातें कही गई हैं, और जिस अहिंसा के बल पर देखिए लड़के गांधी जी ने आजादी भी ले ली, तो ये सब जी कहाँ है, ये सब हमारे पुरातन ग्रंथों से हमें मिला है, लिखा है वहां, सत्यम वद धर्मम चर, ठीक है ना, इस तरह, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, तो इतनी इतना मतलब मानवता भरी और हमारी संस्कृति हमेशा से रही है, कहीं भी किसी भी तरह का वहां भेदभाव, गीता में लिखा है कि भाई कोई भी कर्म बुरा नहीं है, और जहां तक है कि कोई वर्ण व्यवस्था भी नहीं थी, ये वर्ण व्यवस्था कर्म के हिसाब से थी, जो चर्म का काम करता था वो चर्मकार था, जो किसान का काम करता था वो कृषक था, किसान था, जो व्यापार करता था वो वणिक था, व्यापारी था, जो रक्षा करते थे, ठीक है ना, वो क्षत्रिय थे, और जो ज्ञान बांटा करते थे
ठीक है ना, पठन पाठन वेदों का करते थे, उपदेश दिया करते थे, उनको ज्ञानी पंडित या ब्राह्मण कहा गया। लेकिन हमने पता नहीं कब जाके ये सब भेदभाव पैदा कर दिए, एक दूसरे के अंदर जातिवादी फैला दिया। तो उसको लेकर के ही हमारे, देखिए जब हमारे मन में भेदभाव आ जाता है, ईश्वर क्या कहते हैं कि भाई मैं तो प्राणी मात्र के अंदर हूं, ठीक है ना, हर प्राणी में मैं ही हूँ, ठीक है ना, सब प्राणी मेरे हैं, वो चाहे चींटी है, हाथी है, इंसान है, कोई भी है। तो जब मेरे अंदर कोई भेदभाव आ जाता है, मेरा तेरा, इस तरह का ऊंच नीच, मैं अमीर गरीब, तभी हम एक दूसरे के मानव अधिकारों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आज इंसान ऐसा ही हो गया, दम्भी हो गया है, मेरा तेरा करता है, ऊंच नीच, मैं अमीर तू गरीब, मैं जाति ऊंची हूँ तू छोटी जाति है, उस तरह का, मतलब हम लोग जो उससे हमारे मानव अधिकारों का हम एक दूसरे का हनन करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो उसके लिए जो है हमारा जो भारत है, हमारा संविधान है, हमारी जो सरकारें हैं, केंद्रीय सरकार या भारतीय सरकार, हमारी राज्य सरकार है, वो निरंतर प्रयासरत हैं। लेकिन आप जानो ये समाज है, इसमें मानव रहते हैं, अब ये देव कैसे बनेंगे, जब ये सदाचार को फॉलो करेंगे तभी ये देव बनेंगे, ठीक है ना। तो मानव अधिकारों का हनन होता है, लेकिन कायदे हैं, कानून हैं, और प्रजा समझी भी है। देखिए अभी बंधन धीरे धीरे टूट रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे जाति पाति से बाहर आए। पहले आप देखिए कितना, क्योंकि कुछ संचार के साधन माध्यम, बातें करने के, एक दूसरे को जानने के हमारे पास इतने नहीं थे। तो अब धीरे धीरे देखिए टूट भी रहा है, लेकिन दोनों पक्ष हैं, जैसा कि मैंने कविता में भी बताया आपको, दोनों ही पक्ष हैं, लेकिन आशा नहीं छोड़ना चाहिए। मैं यही कहूंगी कि आने वाला समय हमारा और भी अच्छा होगा, हम एक अच्छे इंसान बन के उभरेंगे, हमारा भारत जो सदा से विश्व गुरु रहा है, वो कभी भी मतलब इस तरह का इसमें नहीं हो जाएगा। निरंतर हमारे यहाँ जो हमारे आदर्श, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो सदा से निभाए हैं, हम भी उन्हीं आदर्शों पर चलेंगे और अपने विश्व गुरु की जो जगह है उसको हम कभी ना छोड़ेंगे। आज भी आप देखिए सब लोग हमारी संस्कृति की तरफ देखते हैं, उसको जानने समझने के लिए हमारे यहाँ आते हैं। आप देखो कितने लोग हैं जो इस्कॉन को फॉलो कर रहे हैं, आज हमारी गीता है वो विदेशों में मैनेजमेंट की तरह से पढ़ाई जा रही है, लोग संस्कृत को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। मैंने उस समय आपको संस्कृत के बारे में जब बताया, ये सब बातें मैं कहना भूल गई थी कि लोग विदेशों में हमारी संस्कृत को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो हमारे वेद उपनिषद को पढ़ना चाहते हैं कि ये भारत की संस्कृति इतनी महान कैसे है, क्या है इसमें ऐसा। आखिर तो ये है, तो मानवता का जो है, ठीक है उत्थान पतन होता है, लेकिन मैं तो आशा करती हूँ कि ये मानवता हमारे समाज में बनी रहेगी और हम एक दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करेंगे, ऐसा समय आएगा, ऐसी मैं कामना करती हूँ। बहुत ही आपने अपने विचारों में एक सुंदर खुशहाल भारत की जो कल्पना की है और वो यथार्थ ही है, और ये सब छोटी और सामान्य समस्याएं सब जो हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, और हमारे देश की सरकार और हमारे देश के लोग उसके लिए निरंतर यत्न कर रहे हैं। और कार्यक्रम में बस बहुत ज्यादा समय नहीं शेष बच रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी कविताएं, कोई एक ऐसी कविता आप सुनाएं जिनमें आशा का स्वर हो, प्रेम का स्वर हो और सुंदर जीवन की कामना जिसमें आपने की हो, कोई एक ऐसी कविता जो है आप सुनाएं। मैं मेरे ख्याल से अभी देखिए दिसंबर, फिर 26 जनवरी मेरे ख्याल से आ रही है, तो मैंने 26 जनवरी के लिए एक कविता लिखी थी, तो मैं सोचती हूँ कि वही सुना देती हूँ, क्योंकि उसमें मैंने ऐसी कामना करी है जो आप जिस तरह के आपने अभी ये कहा है कि हम आशा रखें और कामनाएं करें भारत के लिए, तो वही मैं कविता अपनी सुना देती हूँ जो कि मैंने 26 जनवरी पर लिखी थी। पहला
और शीर्षक है तिरंगा मेरे भारत का। जी ठीक, बहुत अच्छा। तिरंगा मेरे भारत का लहराता रहे शान से, यही है प्रार्थना वन मन वचन कर्म से भगवान से। तिरंगा मेरे भारत का लहराता रहे शान से, यही है प्रार्थना मन वचन कर्म से भगवान से। हो चैनो अमन मिलकर रहें सब शान से, हो चैनो अमन मिलकर रहें सब शान से, यही है प्रार्थना मन वचन कर्म से भगवान से। हो नारी का सम्मान जिए बेटियां मान से, हो नारी का सम्मान जिए बेटियां मान से, यही है प्रार्थना मन वचन कर्म से भगवान से। फिर गूंजे वेद ऋचाएं फैले उजियारा ज्ञान से, फिर गूंजे वेद ऋचाएं फैले उजियारा ज्ञान से, यही है प्रार्थना मन वचन कर्म से भगवान से। सदाचार सुकर्म की धारा बहे सुरसरी गंगा से, सदाचार सुकर्म की धारा बहे सुरसरी गंगा से, यही है प्रार्थना मन वचन कर्म से भगवान से। राम राज सा हो सुराज, राम राज सा हो सुराज, हो राजा श्री राम से, राम राज सा हो सुराज, हो राजा श्री राम से, यही है प्रार्थना मन वचन कर्म से भगवान से। फिर बने विश्व गुरु भारत आध्यात्मिक ज्ञान से, फिर बने विश्व गुरु भारत आध्यात्मिक ज्ञान से, यही है प्रार्थना मन वचन कर्म से भगवान से। हो देश प्रेम भाईचारा सब जिए स्वाभिमान से, हो देश प्रेम भाईचारा सब जिए स्वाभिमान से, यही है प्रार्थना मन वचन कर्म से भगवान से। शत्रु हो परास्त सीमा प्रहरी डटे रहें शान से, शत्रु जो भी हमारे ऊपर बुरी नजर डाले, शत्रु हो परास्त सीमा प्रहरी डटे रहें शान से, यही है प्रार्थना मन वचन कर्म से भगवान से। बलिदान शहीदों का सदा गाते रहें हम मान से, यही है प्रार्थना मन वचन कर्म से भगवान से। न रहे कोई भी वंचित रोटी कपड़ा मकान से, न रहे कोई वंचित रोटी कपड़ा मकान से, यही है प्रार्थना मन वचन कर्म से भगवान से। तिरंगा मेरे भारत का लहराता रहे शान से, यही है प्रार्थना मन वचन कर्म से भगवान से। धन्यवाद मीरा जी। हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो अमर रहे, और इस लोकतंत्र में सबको न्याय मिले, सभी लोग जो हैं भारत को अपना प्यारा देश माने, और यहाँ पर सबका कल्याण हो। आपने बताया है कि मानव अधिकार का अर्थ है कि सभी लोगों का कल्याण हो और कोई दुखी नहीं रहे, और मानवीय मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है शास्त्रों में, भारत के धर्म ग्रंथों में, प्राचीन धर्म ग्रंथों में। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, तो आपने बताया है यही हमारे समाज का और शासन का और पूरी व्यवस्था का ये आदर्श है। आधुनिक काल में हमारे महापुरुषों ने भी यही संदेश दिया है पूरे समाज को, चाहे वो महात्मा गांधी हो या राजेंद्र प्रसाद हो या भीमराव अंबेडकर हो या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सभी लोगों ने भारत को के लोगों को यही संदेश दिया है। और हम लोग मिलजुल करके अपने देश का नवनिर्माण करें। गणतंत्र दिवस आने वाला है, एक नया त्योहार, 2-3 सालों के बाद फिर हम लोग कोरोना के संकट से बाहर आकर अब बहुत उल्लास से इस त्योहार को मनाएंगे। और आपको बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ आपके प्रति कि आप कार्यक्रम में आई, आपने भाग लिया, अपनी कविताएं सुनाई, बहुत ही गौरव की बात है हम लोगों के लिए। और कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है, हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार। धन्यवाद राजीव जी, आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।